बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 11 दिनों में 10 आतंकियों को मार गिराने वाले शहीद सैनिक मोहनलाल गोस्वामी को आज उत्तराखंड में उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। गांव गमगीन था लेकिन फख्र था कि जांबाज बेटे की शहादत सदियों तक याद की जाएगी। एक जवान जिसने देश की आन बान और शान पर अपनी जान न्योछावर कर दी, उसकी शहादत को इससे शानदार सलामी क्या होगी। तिरंगे में लिपटा लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी का पार्थिव शरीर जब नैनीताल के करीब उनके गांव पहुंचा तो फिजाओं में मातम का सन्नाटा नहीं बल्कि बहादुरी का जय घोष गूंजा। उसके ऊपर बहुत गर्व है हमें कि हमारे भाई ने ये काम किया, और जो भी जैसा भी मुठभेड़ में जिन लोगों को भी जिनके साथ भी उसके साथ घटना हुई उसमें हमें खुशी है कि हमारे भाई ने ये काम किया। ये शहादत कोई आम शहादत नहीं है। मोहननाथ गोस्वामी ने जाबाजी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो जवानों के लिए फख्र का सबब है तो दुश्मनों के लिए खौफ का। एक से एक नहीं बल्कि 1 से 11 के टकराने की इस कहानी को जरा आप भी जान लीजिए। 11 दिन में 3 ऑपरेशन हुए, 11 आतंकियों को मार गिराया गया और इन तमाम ऑपरेशन में जिंदगी दांव पर लगाई इस जांबाज कमांडो ने। पहला ऑपरेशन 23 अगस्त को हंदवाड़ा में हुआ जिसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। दूसरा ऑपरेशन 26 और 27 अगस्त को रफियाबाद में हुए, यहां भी 3 आतंकी मारे गए जबकि आतंकी सज्जाद को पकड़ने में कामयाबी मिली। तीसरा ऑपरेशन 3 सितंबर को देर रात कुपवाड़ा के हफरुदा के जंगलों में हुआ जहां 4 आतंकी मारे गए, लेकिन कमांडो मोहननाथ गोस्वामी का ये आखिरी मिशन साबित हुआ। ये जो रास्ता उनके घर को आता है इसको कि पक्का मेटल्ड होना है, ये भी उनके नाम से इसका नामांकन हो जाएगा। आर्मी ने अपने जांबाज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। मोहननाथ की शहादत इस बात की मिसाल है कि हमारे जवानों का जज्बा हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। अशरफ वानी, लालकुआ, आज तक।